देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। उमरिया जिले में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जहां जिले के लोकप्रिय कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने जिले का भ्रमण करते हुए जिले वासियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। वही जिले में वैक्सीनेशन अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की भूमिका अहम रही है एवं पुलिस विभाग की मौजूदगी में जिले के विभिन्न स्थानों में पुलिस टीम के द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले लोगों से आग्रह करते हुए वैक्सीनेशन का डोज लगवाया गया। वही वैक्सीनेशन अभियान के दौरान कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग के दौरान यह पाया गया है कि वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाने के बाद कुछ लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया, जिन्हें वैक्सीनेशन का डोज लगवाने की समझाइश दी गई है, लेकिन आगामी समय में वैक्सीनेशन अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। लग गया है, मैं कोई लाड के रहने वाला हूँ, लग चुकी है आज। मैं रवि भाई का बोल रहा हूँ, कोई लाड। हम लोग गए थे, मंदिर गए थे, अभी पहला लग चुका, सेकंड डोज लग रहा है। जबलपुर के बीकानेर स्टेट लांजी पटना 15 सेक्टर, सब कोई लोग वैक्सीन लगवाए, सबसे ज्यादा सबसे बोलते हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई कि सारे विश्व को उसने हिला के रख दिया। जो भी मेडिकल विभाग के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, विशेष तौर से वैक्सीन का जो प्रसार प्रसार करके और उसको लगाने का विनय अनुमोदन प्रशासन लोक सेवा पर सबके द्वारा किया जाता है, आम जनमानस से मेरा निवेदन है कि जिसने लगा लिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं लगाया है, किसी डर के मारे वो नहीं लगा रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने वैक्सीनेशन कोर्स को पूरा करें। दवा निश्चित रूप से किसी बीमारी का जो है इलाज भी होती है, प्रिकॉशन सावधानी बहुत जरूरी है जब भी आप बीमार पड़ जाएं। कोरोना तो ऐसा है कि आप तो जाएंगे अपने साथ 10 को ले जाएंगे, तो आप भी सुरक्षित रहें, 10 को सुरक्षित रखें, और अनंतोगत्वा माननीय कलेक्टर महोदय को और सारे प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को, पुलिस विभाग को, जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उनका परिवार खुशहाल रहे, मंगलमय रहे, धन्यवाद। आज हमारे जिला उमरिया में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जगह जगह गलियों में, चौराहों में, हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, हर जगह जो है वैक्सीन अभियान चलाया गया, और उस वैक्सीन अभियान में जो जहां आने वाला, जाने वाला या बाहरी या कोई भी पाया गया उसके मोबाइल या मैसेज की जानकारी लेते हुए सेकंड डोज लगवाने का विशेष पहल की गई, जिसमें बहुत लोगों ने लाभान्वित हुए हैं। बहुत लोगों को सेकंड डोज का इंजेक्शन लग चुका है, वैक्सीन लग चुका है। इससे लोग प्रसन्न हैं कि ऐसा हमारे समाज के बीच में रोग और थाम के लिए ऐसे अगर जागरूकता करती चलती रहेगी तो हमारा समाज निरोगी होगा और स्वस्थ रहेगा। आज पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का सेकंड डोज का विशेष महाअभियान है। उसी तारतम्य अपने उमरिया जिले में सभी जगह वैक्सीनेशन सेंटरों में जो व्यक्ति प्रथम डोज और सेकंड डोज से जो रह गए हैं, जिनका टीका कार्ड नहीं हुआ है, उनको सेकंड डोज लगाने का महाअभियान चल रहा है। उसी तारतम में हम आज फॉरेस्ट के बैरियर है जो विकटगंज में है, उसमें अपने होमगार्ड की पूरी टीम लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, और ये लगभग 10:30 बजे से शुरू हुआ है। कुछ मिल रहा है, जो लोग नहीं लगवाए हैं वो अपने स्वेच्छा से रुक के और फिर टीका का दूसरा डोज लगवा रहे हैं। ये जानकारी मिलने पर आज मेरे द्वारा पालिका भ्रमण किया गया और दुकानदारों को चेक किया गया, तो बहुत सारे दुकानदार या उनकी दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति ऐसे पाए गए जिन्होंने पहला डोज को लगवाए हुए काफी दिन हो गए हैं, उन्हें ड्यू हो गई है सेकंड डोज और सेकंड डोज नहीं लगवाई है, तो इनको समझाइश दी गई कि सेकंड डोज लगवाएं, और यदि अब समझाइश पर भी लोग नहीं मानते हैं तो आगे अब दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और ऐसे लोगों पर रोजमर्रा की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आम जनता में ना फैला सके।